छात्रों, अव्ययों के बारे में हमें हमने जानकारी ली थी। इसके पहले हमने क्रिया विशेषण अव्यय देखा है। तो अव्यय यानी किसी भी तरह उसका रूप नहीं बदलता, इसको अव्यय कहा जाता है। मतलब लिंग, काल, वचन, पुरुष के कारण जिसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता, इसको ही अव्यय कहा जाता है। इसको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो देखिए, हमने देखा था कि पहला अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें हमने उसकी पूरी जानकारी ली थी। अब हम देखने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय। अव्यय के पांच भेद हैं। एक है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। इसमें से क्रिया विशेषण अव्यय की जानकारी हो चुकी है, पर आज हम देखने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। देखिए, इसके साथ संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? तो देखिए, की ओर शब्द क्या है? की ओर, के पास, के भीतर, के बाहर, के साथ, से दूर आदि, ऐसे जो शब्द रहते हैं वो क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। यह हम उदाहरणों से और स्पष्ट करेंगे। देखते हैं उदाहरण और जान लेते हैं कि की ओर, के पास, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और ये किस तरह से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, इसकी जानकारी हम अभी लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण दिए हैं, पांच उदाहरण हैं। इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द भी हैं। तो देखो, नदी के किनारे एक गांव था। नदी के किनारे एक गांव था, तो नदी शब्द से जोड़कर यहाँ पर के किनारे शब्द आया है, तो ये शब्द क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय है। देखिए, यहाँ पर नवीन के पास मेरी पुस्तक है। किसके पास? नवीन के पास। तो नवीन शब्द को जोड़कर, नवीन यह संज्ञा है, नवीन क्या है? संज्ञा है, किसी लड़के का नाम है, तो नवीन के पास, तो इसको ही जोड़कर ये शब्द आए हैं। यह क्या है? अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ तीसरे उदाहरण में देखिए, नेहरू जी गांधी जी के साथ रहते थे। अब यहाँ पर देखिए, नेहरू जी गांधी जी ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यह दोनों भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पर इसको जोड़कर ये के साथ, के पास, ऐसे शब्द आए हैं क्या? नहीं। तो गांधी जी के साथ, किसके? गांधी जी के साथ रहते थे, के साथ, यहाँ पर ये जो शब्द है के साथ, ये क्या है? संबंध दर्शा रहे हैं, गांधी जी के साथ रहते थे। यहाँ पर देखिए, दादाजी के लिए दवाई चाहिए। किसको दवाई चाहिए? दादाजी के लिए। यह दादाजी को जोड़कर शब्द आए हैं, संबंध बता रहे हैं। गांव के बाहर एक तालाब है। यहाँ पर के बाहर यह जो शब्द है वो क्या है? संबंध बोधक के उदाहरण है। अब और पांच उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें से सही जो शब्द है, संबंध बोधक शब्द है, उसको आपको रेखांकित करके आपके नोटबुक में लिखना है, और ये जो वाक्य है वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण और दिए हैं, इन उदाहरणों को आपको नोटबुक में लिखना है और इसके सही उत्तर आपको रेखांकित करके रखने हैं। इसके पहले जो पांच उदाहरण मैंने दिए थे वो भी आपको नोटबुक में लिखना है और इस संबंध बोधक की परिभाषा भी आपको नोटबुक में लिखनी है। तो ये उदाहरण जो है वो पढ़ता हूँ अभी। घर के अंदर चलो, क्या वाक्य है? घर के अंदर चलो। दूसरा है, सातवां वाक्य है, सोनू के आगे मीनू खड़ी है। आठवां है, दिया बिस्तर के ऊपर बैठी है। नौवां है, घर के सामने वृक्ष है। दसवां वाक्य है, हर्ष के हाथों मैं आपको पत्र भेज रही हूँ। तो इन वाक्यों को आपको आपके नोटबुक में लिखना है और इनको इनका अच्छे से सराव करना है। धन्यवाद।